बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अक्सर फैक्टर बनाते वक्त कन्फ्यूजन रहती है कि फैक्टर हम कैसे बनाएं। आज आपको मैं तीन टर्म्स अगर दी हों तो फैक्टर बनाने का तरीका सिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखना है कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 48, और इधर कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म बड़ी पावर वाली एक्स स्क्वायर। इधर पहली टर्म कौन सी आपके पास, एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 48। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके रफ पे लिख लें 48x स्क्वायर। फिर मिड वाली टर्म ये कौन सी है, 14x, और इसके साथ साइन कौन सा है, प्लस, तो ये प्लस आपके पास और ये भी प्लस। 48 भी प्लस का है और x स्क्वायर भी प्लस का है। सबसे पहला काम फैक्टर बनाने के लिए क्या है कि ये वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म, फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद रफ पे लिख लें और उसका साइन कौन सा आएगा, ये भी प्लस, तो प्लस। फिर मिड वाली टर्म वो कौन सी है जिसके फैक्टर बनाने हैं, वो है 14x, कौन सा है, वो उसके साथ प्लस है, तो प्लस। तो पहला काम समझ आ गया, दोबारा देख लेते हैं। जब आपने फैक्टर बनाने होंगे कांस्टेंट टर्म को, इधर अगर x स्क्वायर है, जो भी पहली टर्म है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनका प्रोडक्ट x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 48, तो ये आपको मिलेगा 48x स्क्वायर। फिर आपका दरमियान वाली टर्म है 14x, आप इनके सिंबल चेक कर लेने, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो मल्टीप्लाई होगी प्लस ही आएगा और इसके साथ भी प्लस है। जब आपने ये दो लिख देनी है, एक इन दोनों का प्रोडक्ट और एक मिड वाली टर्म, अब आपने दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48x स्क्वायर आए और ऐड करें तो 14x, जैसे कि 8x और 6x। दो शर्तें इसने, जो दो नंबर आप लिखेंगे उन्होंने दो कंडीशन पूरी करनी होगी। एक, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें 48x स्क्वायर मिले, और इन दोनों को ऐड करने से हमें प्लस का 14x मिले। क्या मतलब, 8x मल्टीप्लाई बाई 6x, 8 मल्टीप्लाई 6, 48x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, तो ये कंडीशन पूरी होगी। अब इन दोनों को ऐड करें, 8x प्लस 6x इक्वल टू 14x, तो ये वाली कंडीशन भी पूरी होगी। अगर आपको एक पार्ट सही समझ आ गया तो सारे फैक्टर आपके बहुत आसान हो जाएंगे। तो अब आपने फैक्टर दरमियान वाले टर्म के बनाने होते हैं, यानी x स्क्वायर, 14x के क्या फैक्टर हमने बनाए, 8x और 6x, यानी 8x प्लस, इनको प्लस करके लिखते हैं, प्लस 48, यानी 14x के जो फैक्टर बने वो 8x प्लस 6x। अब इन दो में से अलग कॉमन लेते हैं, इधर भी x, x कॉमन, तो इधर बचेगा x प्लस 8, और इन दोनों में से 6 कॉमन, तो x प्लस 8, 6 कॉमन तो इधर x, 6 का टेबल 48 पे, फिर 8 टाइम, फिर कॉमन क्या आएगा, x प्लस 8 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 6। अब इसके लिखने दो तरीके हैं, इससे लिख सकते हैं कि x प्लस 8 राइट साइड पे लिखें, x प्लस 6, और क्योंकि ये कॉमन कहाँ आ रहा है, राइट साइड पे, तो आप राइट साइड पे लिख सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, पहले लिखें बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कॉमन वाला x प्लस 8 पहले लिख लिया, इधर x प्लस 6 बच गया, तो ये आपका आपके फैक्टर बन गए। एक बार फिर समझें, क्योंकि अगर आप एक सवाल भी फैक्टर बनाने का समझ आ गया सही कर गए तो आप सारे फैक्टर खुद बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें तीन टर्म्स होंगी, आप बड़ी पावर ढूंढेंगे, ये x है, ये x स्क्वायर, तरतीब से लिखेंगे, यानी x स्क्वायर वाले, फिर x वाले, फिर कांस्टेंट, तो इस पहली टर्म को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। x स्क्वायर किस से मल्टीप्लाई होगा, 48, तो क्या आ जाएगा, 48x स्क्वायर। फिर जो इनके साथ साइन कौन सा आएगा, ये प्लस, ये भी प्लस, प्लस जब प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस ही रहता है। फिर मिड वाली टर्म 14x, इसके साथ सिंबल कौन सा है, प्लस। जब ये लिख लें, अब आपने दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 48x स्क्वायर आए और ऐड करें 14x।
48x के और भी फैक्टरों से आता है, फॉर एग्जांपल 16 मतलब x और 3x, 16 3 48x मतलब x x के, तो ये वाली कंडीशन पूरी होगी। लेकिन जब मैं इनको ऐड करूंगा 16 प्लस 3 19, हमें कितने चाहिए 14, इसका मतलब है आपने 8x और 6x, 86 48x मतलब x x के, तो अगर ये दो फैक्टर हूं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये वाली कंडीशन पूरी हो जाती है 8x plus 6x 14x, और अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये वाली कंडीशन पूरी हो जाती है। इसका मतलब है आपके 14x के जो फैक्टर बने हैं वो 8x और 6x, यानी 8x plus 6x। पहले दो टर्म में से कॉमन x, इधर क्या बचेगा x plus, क्योंकि x कॉमन आ गया पीछे 8 बचेगा, इन दो में से 6 कॉमन, तो x 6 का टेबल 48 पे 8 9, फिर x plus 8 कॉमन, जो कॉमन है वो इधर क्या बचेगा x, क्योंकि ये तो बाहर आ गए, इधर x plus 8 बाहर आ गए, अंदर plus 6, तो ये आपका फैक्टर बचा। नेक्स्ट टर्म देखिए, मैंने क्या बताया था कि ये जो पहली टर्म है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से, तो क्या बनेगा 108 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, तो ये बनेगा 108 x स्क्वायर, और मिड वाली टर्म कौन सी है 21x, साथ क्या है माइनस, इधर क्या है प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस। जब भी फैक्टर बनाने हैं पहला काम क्या करना है, इस पहली टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके रफ पे लिख लें, पहली टर्म है x स्क्वायर जबकि कांस्टेंट टर्म है 108, तो ये बनेगा 108 x स्क्वायर, और फिर मिड वाली टर्म है 21x, इसके साथ ऊपर वाले के साथ सिंबल प्लस का आएगा, इसके साथ क्या आ रहा है माइनस का। अब दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 108x स्क्वायर आए, और ऐड करें तो माइनस का 21x आए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 12x और 9x, इनको मल्टीप्लाई करता हूं 12x मल्टीप्लाई बाय 108x स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई बाय 9 108 और x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। क्या पहली कंडीशन पूरी हो गई है? बिल्कुल, हमारी जो पहली कंडीशन थी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 108x स्क्वायर हो, लेकिन दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो ये 12x plus 9x 21x, क्या दूसरी कंडीशन पूरी हुई? नहीं, हमें कौन से माइनस के 21x चाहिए, अगर इधर प्लस होता तो हमारे फैक्टर बनते 12x और 9x, अगर इधर क्वेश्चन में प्लस होता यानी इधर भी प्लस। अब हम क्या करते हैं, अगर माइनस का 12 लें और माइनस का 9, तो फिर दोबारा से कंडीशन देखते हैं, माइनस 12x मल्टीप्लाई बाई माइनस 9x, 12 मल्टीप्लाई 9 108, x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 108x स्क्वायर आ जाए, तो माइनस 12x और माइनस 9x को मल्टीप्लाई करें तो 108x स्क्वायर प्लस का आ गया, दोनों को ऐड करें यानी माइनस 12x और माइनस 9x कितने हो गए माइनस 21x। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो दो आपने फैक्टर ढूंढे हैं उन दोनों को अगर ऐड करूं तो माइनस का 21x आए, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 108 प्लस का 108x स्क्वायर आए, तो दोनों कंडीशन इन दो नंबरों ने पूरी कर दी, यानी माइनस 12x और माइनस 9x, इनको मल्टीप्लाई करके ये मिल गया और इन दोनों को ऐड करके ये मिल गया, हमारे फैक्टर बन गए x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108, x स्क्वायर माइनस 21x के फैक्टर बन गए माइनस 12x और माइनस 9x और 108। पहले दो में से फिर कॉमन अलग से लेना होता है, क्या आएगा x, इधर x बचेगा माइनस 12, इन दोनों में से क्या कॉमन लें माइनस भी कॉमन लें, और 9 का टेबल इस पे भी जा रहा है और इस पे भी जा रहा है, 9 कॉमन लें तो x माइनस 12, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का, इधर x बचेगा 9 का टेबल 108 पे कितने टाइम आएगा 12, फिर कॉमन x माइनस 12 फिर कॉमन आ गए
इधर x बचा माइनस नाइन, तो ये आपका आंसर आ गया, फैक्टर बन गए। एक बार फिर आप देखें, जब भी फैक्टर बनाने हो पहली टर्म कौन सी है एक्स स्क्वायर और आखिरी टर्म है 108, ये इसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 108 एक्स स्क्वायर। फिर आप देखेंगे कि मिड वाली टर्म कौन सी है, वो 21x माइनस 21x। अब आप दो ऐसे नंबर, दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए और जिनको ऐड करें तो माइनस 21x आए। तो मैंने माइनस 12x और माइनस 9x, पहले मैंने प्लस 12 प्लस 9 लिया था लेकिन उनको ऐड करने से माइनस का 21x हमें नहीं मिला था। तो माइनस 12x को जब माइनस 9x से मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 12 9 था 108x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर, तो 108x स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करें माइनस के 12 और माइनस के 9 माइनस के 21x। इसका मतलब है हमारे जो फैक्टर बने हैं माइनस 12x और माइनस 9x, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 108x स्क्वायर मिल गया और इन दोनों को ऐड करने से माइनस 21x। तो सेकंड वाले जो मिड टर्म है उसके फैक्टर क्या बन गए, माइनस 12x और माइनस 9x। इन दोनों में से x कॉमन लें तो x माइनस 12, इन दोनों में से 9 कॉमन लें और माइनस भी कॉमन लें तो x माइनस 12। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस का, 9 कॉमन लिया इधर x बचा 9 का टेबल 108 पे 12 9। अब x माइनस 12 कॉमन लें तो x माइनस 9 आपके पास रह गए, दो पार्ट हो गए। थर्ड है आप देखिए, मैंने क्या बताया तरीका वही है कि जब भी फैक्टर बनाने हो तो इसको x स्क्वायर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 42, 42 x स्क्वायर, फिर इसके साथ सिंबल कौन सा आएगा, यहां माइनस है यहां प्लस, तो माइनस आएगा। पहला काम हमेशा जब भी फैक्टर बनाने हो तो पहले काम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके रफ पे लिख लें, यानी x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें 42 से तो 42 x स्क्वायर, फिर सिंबल इधर माइनस है इधर प्लस, तो माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस ही आएगा। फिर मिड वाली टर्म 11x, इसके साथ सिंबल कौन सा है माइनस, इसके साथ सिंबल कौन सा है माइनस का। अब आपने दो ऐसे नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 42x स्क्वायर आए। अब देखिए मैं 14x और 3x लूं, 14 42x स्क्वायर, अब मुझे क्या चाहिए माइनस, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए माइनस का 42x स्क्वायर। तो या 14x के साथ माइनस लगाना पड़ेगा या 3x के साथ माइनस। अब देखें अगर मैं 14x के साथ लगाऊं, दोनों कंडीशन लगाऊंगा, हमारे फैक्टर मैंने कहा था दो बनते हैं, 14x को 3x से मल्टीप्लाई करें तो 42x स्क्वायर हासिल होता है। अब हमें माइनस का चाहिए, या माइनस 14x के साथ लगाना पड़ेगा या माइनस 3x के साथ लगाना पड़ेगा। अब लेकिन दूसरी कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, पहली कंडीशन पूरी हो गई है कि माइनस 14x मल्टीप्लाई बाय 3x इक्वल टू 14 3 दा 42x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर, इधर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस 42x स्क्वायर। पहली कंडीशन दोनों केसों में पूरी हो गई है कि अगर मैं माइनस लगाऊं 14 के साथ फिर भी पहली कंडीशन पूरी, मैं माइनस लगाऊं 3x के साथ फिर भी पहली कंडीशन पूरी। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन कौन पूरा कर रहा है, दोनों को ऐड करके माइनस का 11 चाहिए, माइनस 14x प्लस 3x कितना आ गया आपके पास माइनस 11x, माइनस 11x इन दोनों को, और इन दोनों को ऐड कर दो 14x माइनस 8 प्लस 11x। अब पेपर में अगर इधर प्लस 11x होता तो मेरे फैक्टर बनते 14x और माइनस 3x, अगर इधर माइनस है तो मेरे फैक्टर क्या बन गए माइनस 14x, और ये वाले फैक्टर फिर हम नहीं लेंगे क्योंकि ऐसे फैक्टर लेने हैं जो दोनों कंडीशन पूरी कर रहे हो 14x और 3x। अगर 14x के साथ माइनस हो माइनस 14x मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 42x क्या है, ये वाली कंडीशन पूरी, दोनों को ऐड करें माइनस 14x प्लस 3x तो माइनस 11x, ये वाली कंडीशन पूरी। तो हमारे ये फैक्टर नहीं बल्कि ये वाले बनेंगे, यानी x square minus 14x
और प्लस 3x माइनस 42। ये दोबारा समझाऊंगा। सबसे पहला काम, पहली टर्म को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके रफ पे लिख लें। पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट है माइनस 42, तो ये बन गया माइनस 42 एक्स स्क्वायर। फिर मिड वाली टर्म माइनस 11x। अब दो ऐसे नंबर आपने, दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म आए, यानी माइनस 42 एक्स स्क्वायर एड करके माइनस 11x। मैंने ढूंढे थे 14x और 3x, 14 3 42 और x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, क्योंकि मुझे ये माइनस का चाहिए। तो माइनस ये कैसे आएगा, अगर इधर माइनस हो तब भी माइनस 42 एक्स स्क्वायर मिलेगा, इधर माइनस हो तब, यानी अगर इधर माइनस लगाएं या इधर लगाएं, दोनों शर्तों में आपकी पहली कंडीशन तो पूरी हो जाती है। इसमें भी और इसमें भी दो फैक्टर मैंने बनाए थे, 14x और 3x। एक दफा माइनस मैंने 14 के साथ लगाया और एक दफा माइनस मैंने 3 के साथ लगाया, क्योंकि ये दोनों जो हैं मल्टीप्लाई होके पहली कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, यानी -14x मल्टीप्लाई बाय 3, 14 3 42 x मल्टीप्लाई बाय x x के और साथ -14x, जब -3x से मल्टीप्लाई होगा 14 3 -42 x मल्टीप्लाई बाय x x के। तो ये अब दूसरी कंडीशन ये पूरा कर रहे हैं, ये चेक करते हैं, इनको ऐड करें, -14x + x -11x, 14x -3x = +11x। अगर इधर +11x होता तो ये फैक्टर होते, इधर माइनस है तो फैक्टर कौन से हैं, -14x और 3x। तो पहले टर्म x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, -11x की जगह -14x और +3x -42। कॉमन लें पहले दो में से x, इधर x बचेगा, x कॉमन आ गया ये, तो पीछे क्या रह गया 14 माइनस, इधर प्लस 3 कॉमन लें, 3 जब कॉमन आ गया तो पीछे बच गया x, 3 का टेबल इस पे कितने टाइम जाएगा 14 टाइम, फिर कॉमन क्या आ गया x माइनस 14 और इधर क्या बच गया, ये तो कॉमन आ गया, इधर x रह गया, ये कॉमन आ गया इधर 3, तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, फैक्टर डिटेल में मैंने सिखा दिए फैक्टर बनाने। अगर आपको 3 से 4 पार्ट जो ये आज करा रहे हैं, ये अगर सही करके आपने फैक्टर बना लिए, फिर कभी भी कोई भी फैक्टर आएगा तो आप इजीली बना लेंगे। मैंने क्योंकि बहुत डिटेल में आपको गाइड कर दिया। एक पार्ट और करते हैं कल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेक्चर में 3 करेंगे, जिसके 8 पार्ट हैं फैक्टर बनाने के। आप देखें चौथा पार्ट, जब भी फैक्टर बनाने हो पहली टर्म को किस से मल्टीप्लाई कर लेना है, कांस्टेंट से, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 132, तो ये 132 x स्क्वायर, साथ क्या है इधर माइनस है तो माइनस, अब x के साथ इधर क्या है 1, कितने x है 1x, और क्या चाहिए 1x। सबसे पहले पहली टर्म को कांस्टेंट टर्म से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -132, तो ये बन जाएगा -132 x स्क्वायर। फिर मिड वाली टर्म कौन सी है, सिर्फ x यानी 1x। दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 132 x स्क्वायर आए माइनस का और ऐड करके प्लस 1x। फॉर एग्जांपल 12x को 11x से मल्टीप्लाई कर लें, 12x को 12 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होता है 132, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 132 x स्क्वायर। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या मिलेगा 132 x स्क्वायर, यानी 12x मल्टीप्लाई बाय 11x, 12 11 का 132 x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर। लेकिन देखिए मुझे कौन सा चाहिए, माइनस का 132, माइनस का, अगर मैं 12x के साथ माइनस लगाऊं फॉर एग्जांपल, या इधर देखिए इसके आगे दो कंडीशन बना रहा था, एक है 12x और एक 11x, अगर मैं 12 के साथ माइनस लगाऊं या 12x 11x, 11 के साथ माइनस लगाऊं, दो कंडीशन बना दी, या 12 के साथ माइनस लगाएं, या दोनों सूत्रों में जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा -12x मल्टीप्लाई बाय 11x, तो ये -132x स्क्वायर, इधर भी 12x मल्टीप्लाई बाय -11x -132x। दोनों सूत्रों में आपकी पहली कंडीशन पूरी हो रही है।
अब चेक करते हैं दूसरी कंडीशन ये वाले फैक्टर पूरा कर रहे हैं या दूसरी कंडीशन ये वाले। मुझे प्लस का ऐड करने से प्लस का 1x चाहिए, इनको ऐड करते हैं, माइनस के 12 प्लस के 1 तो माइनस 1x, इनको ऐड करें प्लस 1x। इसका मतलब है कि कौन फैक्टर आपने बनाए थे 12x और 11x, क्योंकि हमें माइनस का 132 चाहिए, तो माइनस 12 के साथ लगाएं या 11 के साथ लगाएं, दोनों कंडीशन में आपके माइनस 132x के पूरा होते हैं, लेकिन सेकंड जो है इन दोनों को ऐड करने से हमें क्या चाहिए प्लस का 1x, तो वो 12x माइनस 11x तो प्लस का 1x, तो ये वाले दो फैक्टर बनेंगे। अब मैं डायरेक्ट समझाता हूँ, दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 132x कह रहा है और ऐड करके 1x, तो 12x और माइनस 11x, 12x को माइनस 11x से मल्टीप्लाई करता हूं, 12 मल्टीप्लाई 11 132 माइनस का x मल्टीप्लाई x x स्क्वायर, अब दोनों को ऐड करता हूं, 12x माइनस 11x तो कितने 1x प्लस, तो 12x और माइनस 11x को जब मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया, 12x और माइनस 11x को जब ऐड किया तो ये मिल गया, तो हमारे फैक्टर बन गए x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 11x माइनस 132। बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। तो पहले दो में से क्या कॉमन आएगा, x इधर आएगा x प्लस 12, इन दोनों में से 11 कॉमन और माइनस कॉमन, जब आपने x कॉमन लिया तो x स्क्वायर था, 1x मिल गया, जब x कॉमन लिया तो पीछे बच गया 12, जब आपने माइनस कॉमन लिया और 11 तो कॉमन आ गया, इधर x बचा माइनस कॉमन आया, इधर भी प्लस, 11 का टेबल 132 पे 12 का है, फिर क्या कॉमन आ गया x प्लस 12 इंटू x माइनस 11, ये आपका आंसर आ गया फैक्टर। तो आज डियर स्टूडेंट्स आपने सीखा है कि तीन टर्म्स का अगर दी हो तो फैक्टर कैसे बनाते हैं, तो बड़ी डिटेल मैंने आपको समझा दी है। अब आप आगे जो क्वेश्चन दिए उनमें से कुछ खुद प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप उनको टैली कीजिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।